जय माँ कात्यायनी। आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए एवं माँ भगवती को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसका नाम है क्या कहती हैं हाथों की रेखाएं। आपके साथ उपस्थित आचार्य प्रमोद मिश्रा। मित्रों, आज हस्तरेखा के विषय में आपको मैं बताऊंगा कि यह संतान सुख प्राप्त अगर आपके जीवन में होता है या कहीं न कहीं संतान सुख में कुछ कमियां आती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है, कौन सी आपके हाथ में वो रेखा है जिस जिम्मेदारी को उठाती है, इस जिम्मेदारी का वहम करती है। तो ध्यान से समझिए और देखिए, अगर आपके हाथ में गुरु पर्वत से लेकर के और बुध पर्वत तक यहां पर कोई रेखा बन रही हो, सीधी कोई रेखा बन रही है और यह रेखा बेशक पतली हो या तार की तरह हो लेकिन संपूर्ण हो, बीच में कहीं खंडित ना हो, कहीं टूटी ना हो, कहीं दोहरापन ना आ रहा हो, अगर क्लियर है, एकदम साफ रेखा बनी हुई है यहां से लेकर यहां तक इसमें, तो ये आपके जीवन में संतान सुख को दर्शाती है कि संतान आपकी अच्छी होगी, भाग्यशाली होगी, सुदृढ़ होगी, शिक्षित होगी, साथ में सामाजिक व्यवस्थाओं को संभालने वाली होगी। कई बार लोग संतान से संबंधित प्रश्न लेकर हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, अपनी दिक्कतें सुनाते हैं, लेकिन नहीं, आप भी जानते हैं प्रारब्ध में जो ईश्वर ने लिख दिया है, परमात्मा ने जो लिख दिया है वह होनहार है, वह निश्चित है, लेकिन कहीं ना कहीं इन रेखाओं के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। भविष्य पूरा तो किसी ने नहीं देखा लेकिन उसका अंदाजा हो जाता है व्यक्ति को इस रेखा के माध्यम से, व्यक्ति पढ़ लेता है इन रेखाओं के माध्यम से। तो मित्रों, आप भी देखिए कि कहीं आपके हाथ में, अगर भविष्य में आप संतान सुख की आशा करते हैं, संतान के बारे में चिंतन करते हैं, तो चिंतन आपका चिंतन ही है या चिंतन दूर होने वाला है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए अपने हस्तरेखा के माध्यम से, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो, और मुझे दीजिए आज्ञा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले विषय में। नमस्कार।